हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज स्टिचिंग एंड पेंटिंग। आज मैं अपनी फ्रेंड का नाम लिखने वाली हूँ और उस पर पेंटिंग करने वाली हूँ, तो आइए देखते हैं। तो गाइस, पहले हम स्केचिंग कर लेते हैं फिर पेंट करेंगे, तो आइए देखते हैं स्केचिंग। तो गाइस, पहले हम हिंट्स ले लेते हैं फिर स्केच करेंगे। तो अब ये स्केचिंग हो चुका है कंप्लीट, अब आते हैं पेंटिंग पे। मैं ये शेडेड पेंटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने वाइट और ब्लैक कलर मिला करके डार्क ग्रे बनाया, उसके बाद मैं डार्क ग्रे से मैंने बी को पेंट किया है, फिर मैंने उसमें वाइट मिला के थोड़ा सा लाइट किया,
फिर यू को पेंट किया, फिर थोड़ा लाइट किया, फिर एस को पेंट किया। इसी तरह से मैंने सारे लेटर को लाइट कर करके पेंट किया। तो ये बुशरा का सारा लेटर पेंट हो चुका है। अब आते हैं जमा पे। जमा को भी बस बुशरा वाले मेथड से ही करना है। जेड को मैंने डार्क ग्रे से कलर किया, अब ए को थोड़ा लाइट करके करूँगी, फिर एम को थोड़ा लाइट और फिर ए को बिल्कुल वाइट ही ऑफ वाइट। अब अगर आप किसी नेम को लिखने के लिए इसी कलर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट वाला लेटर डार्क ग्रे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाले लेटर को ऑफ वाइट से पेंट करेंगे और इसी बीच आपको शेड बनाना है। तो मैंने सारे लेटर को ब्लैक स्केच पेन से हाईलाइट कर लिया है। अब मैं हार्ट बीट बनाने जा रही हूँ। अब मैं हर्ट को कलर करने के लिए रेड स्केच पेन यूज़ कर रही हूँ और अब इसमें रेड कलर फील कर देंगे। तो अब इसे थोड़ा फ्लावर से डेकोरेट कर देते हैं। गाइज, मैंने वन स्ट्रोक फ्लावर बनाया है इसमें और ब्लू वाइट कलर से, और ब्रश मैंने लिया है 6 नंबर फ्लैट ब्रश। ये तो हमारा फ्लावर बर्ड्स था। अब आते हैं फ्लावर पे। तो मैंने इसमें 3 लेयर 1 स्ट्रोक फ्लावर बनाया है। अब हमारा ये सारा बर्ड्स कंप्लीट हो गया है और हमारा नेम भी डेकोरेट हो चुका है।
बस ये फ्लावर वाले मेथड से ही ये लीफ भी बना है, बस कलर डिफरेंट है। अब हम सारे फ्लावर्स पे डॉट डॉट डाल देते हैं ब्लैक कलर से, या फिर डार्क ग्रे से भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। अब हमारा ये सारा पेंटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।